नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। चलिए चलते हैं देश और विदेश की बड़ी और अहम खबरों की तरफ। डॉक्टरों से बात करते हुए भावुक हुए पीएम मोदी, बोले ब्लैक फंगस नई चुनौती, बच्चों को बचाना जरूरी। मैनिपुलेटेड मीडिया पर ट्विटर को मोदी सरकार का जवाब, टूलकिट की जांच में दखल मत दो। लालू की बेटी पर जीतन राम मांझी की बहू का पलटवार, कहा ठीक से रहा ना तो ठीक हो जाएबू। नारद केस में गिरफ्तार टीएमसी नेताओं को जमानत देने से एचसी का इनकार, रहेंगे हाउस अरेस्ट। देश भर में 824 सीएचसी पर होगी कोविड 19 हेल्प डेस्क की शुरुआत, जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, कोटमी जंगल में 13 नक्सली ढेर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस में नवनीत कालरा पर एक्शन जारी, ईडी ने रेस्तरा समेत कई ठिकानों पर मारे छापे। यमुना अथॉरिटी की बड़ी पहल, एक्सप्रेसवे के किनारे बच्चों के लिए बनेंगे 100-100 बेड के दो अस्पताल। ब्लैक फंगस के दवाई की क्या है स्थिति, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा डाटा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से ब्लैक फंगस की दवा की उपलब्धता पर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। ब्लैक फंगस की चपेट में दिल्ली, केजरीवाल सरकार ने नई कमेटी गठित की है। इन कमेटी के 4 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ये कमेटी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का गलत उपयोग रोकेगी, साथ ही बच्चों को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचने के लिए टास्क फोर्स बनाया जाएगा। यूपी में कोविड 19 की तर्ज पर ब्लैक फंगस भी अधिसूचित बीमारी, सीएम योगी ने दिए आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में कोविड 19 की तर्ज पर ब्लैक फंगस को भी अधिसूचित बीमारी यानी नोटिफाइड डिजीज घोषित किया जाएगा। आदेश को आज ही जारी कर प्रभावी कर दिया जाए, इसकी दवा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। मशहूर शायर और MLC वसीम बरेलवी ने कोरोना की रोकथाम के लिए दिए 50 लाख। जेडीयू ने लालू परिवार को बताया आपदा का ट्विटर फैमिली, एक महीने में कर डाले 906 ट्वीट। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सुशील मोदी पर कसा तंज, कहा इनके बेटे का तो गुजारा मनरेगा में मजदूरी से होता है। शिवराज सरकार छुपा रही कोरोना से मरने वालों के आंकड़े, पूर्व सीएम कमलनाथ कह गए इतनी बड़ी बात। रेलवे ने बढ़ाई समर स्पेशल ट्रेनों की संख्या, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए समर स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी है। इनमें मुंबई से गोरखपुर, दानापुर, दरभंगा और छपरा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। हेमा राम चौधरी के इस्तीफे पर बोले सचिन पायलट, उनकी ईमानदारी और सादगी का उदाहरण, शायद ही कांग्रेस में हो। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाएगी टास्क फोर्स, बनाएगी आयुष प्रोटोकॉल, जोधपुर को मिला जिम्मा। झारखंड में टाटा स्टील ने शुरू किया 80 बेड क्षमता का कोविड केयर सेंटर, सीएम सोरेन ने किया उद्घाटन। हिंदू देवता पर आपत्तिजनक ट्वीट करने पर शर्जील उस्मानी पर महाराष्ट्र में केस दर्ज। आशाराम को फिर नहीं मिली जमानत, एम्स से ठीक होते ही जेल जाने का फरमान। 11 दिन की खूनी जंग के बाद इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम का ऐलान, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल गाजा युद्ध विराम की पुष्टि की है। बाइडेन ने युद्ध विराम के लिए इजराइल की सराहना की। अमेरिकी दवा निर्माता की कोविड 19 वैक्सीन के भारत में आने को लेकर पेच फंसा हुआ है, जहां एक और फाइजर भारत पर क्षतिपूर्ति ब्रांड साइन करने पर जोर दे रहा है, तो वहीं भारत सरकार इससे साफ इनकार कर रही है। राकेश टिकैत का ऐलान, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक जारी रहेगा आंदोलन। बंगाल में भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, टीएमसी विधायक शोभन देव चटर्जी देंगे इस्तीफा। ये तो थी आज की बड़ी और अहम खबरें, ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत लेते हैं आपसे, तब तक के लिए देखते हैं एचसीएन न्यूज़। धन्यवाद।